इस वीडियो को देख कर देश भर में लोगों ने पोर्टले बांध दिए और फिनलैंड जाने का फैसला कर लिया है। एजुकेशन मिनिस्टर हो लेकिन न्यू एक्साइज पॉलिसी भी तो आप ही लाए अगर डर नहीं है तो इतना क्यों रो रहे हो प्रेस में हमें हिंसा से बचना चाहिए क्योंकि बापू ने भी यही किया था और अगर हिंसा करनी ही पड़े तो शांतिपूर्ण तरीके से करनी चाहिए सो बिफोर आई ब्रिंग माई ट्रेंडिंग ट्वीट टू यू हैव यू ट्वीटेड येट वेलकम टू ट्वीट अ ट्वीट आई एम रितिका एंड यूर वॉचिंग द इंडियन अफेयर्स कुछ ही दिनों पहले फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर सना मायरन का पार्टी करते हुए एक वीडियो लीक हो इस वीडियो को देखकर देश भर में लोगों ने पोटले बांध दिए हैं और फिनलैंड जाने का फैसला कर लिया है उन लोगों का ये कहना है कि शायद यही रीजन है कि फिनलैंड वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप में चल रहा है भारत में तो पार्टी के नाम पर पॉलिटिकल पार्टी का मोर्चा करने के लिए ही मिलता है अगर हमारे पॉलिटिशियंस भी ऐसी पार्टीज ऑर्गेनाइज कराएं तो शायद भारत भी खुशियों के इंडेक्स पे नंबर वन पे आ ही जाएगा वहीं दूसरी ओर हैश प्राइम मिनिस्टर सुबह से ट्रेंड कर रहा है भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का जन्मदिन है इस अवसर पर उनके पुत्र ने ट्वीट करते हुए ये लिखा है कि पापा आप हर पल मेरे साथ हैं मेरे दिल में हैं मैं हमेशा प्रयास करूंगा कि देश के लिए जो सपना आपने देखा वो मैं पूरा कर पाऊँ ऑन द अदर हैंड हैश टैग जिम्बाबे एंड हैश टैग शार्दुल ठाकुर इस ट्रेंडिंग टुडे जिम्बाबे की क्रिकेट टीम ने ये फैसला लिया है कि आज के दूसरे ओ में जो कि मैच उनका भारत के साथ है आज की ओडियाई वो लोग कैंसर पेशेंट्स के लिए खेलेंगे जो लोग मैच देखने जाएंगे उनसे ये कहा गया है कि ऑरेंज या नारंगी कपड़े पहन के आए ताकि वो अवेयरनेस बढ़ा पाए वहीं शार्दुल ठाकुर भी जिम्बाब्वे की टीम के साथ विकेट लेने में ट्रेंड कर रहे हैं आते हैं आज के दूसरे हैशटैग पे जो कि सुबह से ट्रेंड कर रहा है मनीष सिसोदिया के घर पर चौदह घंटे रेट पढ़ने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनीष सिसोदिया जी ने कहा है कि वे कट्टर ईमानदार लोग हैं जिनपे लोगों ने ये कहा है कि एट द रेट एम सिसोदिया इट्स अ लिकर स्कैम अंकल एजुकेशन मिनिस्टर हो लेकिन न्यू एक्साइज पॉलिसी भी तो आप ही लाए अगर डर नहीं है तो इतना क्यों रो रहे हो प्रेस में लोगों ने यह भी कमेंट करा है कि सारे तिहाड़ वाले अगर जेल में हाउसफुल कर देंगे तो कांग्रेस वालों के लिए सीट कम हो जाएगी आज ट्रेंडिंग ट्वीट में हैश आधुनिक भारत ट्रेंड कर रहा था जहाँ देखते देखते एक वीडियो स्क्रीन में आ गई और हमारी नज़र उस वीडियो में पड़ गई थोड़ा वायलेंस है इस वीडियो में लेकिन वीडियो पुराना है काफ़ी पुराना है पर हम लोग तो बापू के मार्ग पे चलते हैं और हमें हिंसा से बचना चाहिए क्योंकि बापू ने भी यही किया था और अगर हिंसा करनी ही पड़े तो शांतिपूर्ण तरीके से करनी चाहिए तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो ये वीडियो लाइक करिए शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए द इंडियन अफेयर्स को थैंक यू